खबर लेने आ तरन तारण तो जिला तरन तारण दे सरहदी कस्बा खेमकरन दे पिंड दूल कोना विखे हरिंदर सिंह नामक व्यक्ति कोलो हरदयाल सिंह कोलो जमीन खरीदी गई सी जिस विच उस वल्लों कणक बीजी हुई सी पर उसकी गैर मौजूदगी विच गुरिंदर सिंह नामक व्यक्ति वालों कुछ अणपछाते व्यक्तियों नाल उसकी फसल वढ़नी शुरू कर दी गई अते जदों इस बारे हरिंदर सिंह ने उन्हां नूं रोकण की कोशिश की गई तो उन्हां द्वारा हरिंदर सिंह ते हमला कर दिता गया अते इस तो बाद अपने कुछ साथी बुला के उसके घर गोलियां नाल भी हमला किया गया। उन्हां द्वारा सारी घटना की जानकारी खेमकरन पुलिस नूं दित्ती गई है अते पुलिस द्वारा इन्हां व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दित्ती गई है। भाजी मेरा नाम हरिंदर सिंह पिंड दूल कोना जी मेरा तो मेरी सर है ना जमीन का मतलब फसल बीजी ही मैं आपकी ये तो इन्होंने ना कोई अणपछाते बंदे नाल लिया के नाल इन्होंने आप कट्ठे हो गए तो मशीन लिया के मेरी फसल वढ़नी शुरू कर दी जी। ये है जी चानन सिंह सन ऑफ जगीर सिंह, जगीर सिंह सन ऑफ अजैब सिंह, गुरिंदर सिंह सन ऑफ कुलबीर सिंह, साहब सिंह उर्फ साबा करियाला पिंड का जी। इन्होंने आ मेरी फसल वढ़नी शुरू कर दी है जी। जो मैं फसल वढ़न तो इन्हों जाके रोकया मैं क्या मेरी फसल क्यों वढ़ी जाते हैं तो इन्होंने गाड़ियों की किया जी मे मेरे गल पै गया है। गल पैन तो बाद उ बंद ने छड़ा दिता, छड़ा तो बाद घरों घर आ गए हैं जी। बाद चेने साबे ने उतों बंदे कट्ठे करके मुंडे मंडे नाल लिया के कट्ठे करके तो इन्होंने मतलब गोलियां चलाया शुरू कर दी जी मेरे घर, जिदे एक 315 बोर जी परमजीत कौर के नाते आ चलाई वो मुंडे ने जी। तो जिहड़ी दूजी 315 बोर रफल वो साहब सिंह ने चलाई है जी, वो पता नहीं वो आपदी आ जां किसी दी लिया आ जां किहदी आ किहदी नहीं जी। तो बाकी जिहड़ा चानन सिंह ते जगीर सिंह आ इन्हां दोवें प्यो पुत्तां ने दातर फड़े ही जी, तो आंदे ही जे तां गोली वजदी तां गोली मार देंगे तो जे गोली ना वजी तो इहनूं राह गली आउंदा बाहर तो इहनूं उत्थों फड़ लैणा जी। तो इन्हां सिद्धियां गोलियां मारियां जी दोवां भरावां दे, असीं दोवें भरा कोठे ही छत्ते चढ़े हाँ तो इन्हां गोलियां मारियां सिद्धियां सानूं तो असीं आपदा बचा किया वा थले बह के तो बचे हाँ जी। तो उस तो बाद अं रौला पाना शुरू कर गया सानू मार कर त्या लोगों ने पिंडों सुन के आवाज़ तो जो उतों आए आ मुड़ के लोगों को वेख के ये उतों जोड़ा वा भी भज गए ने जी। उतो ये सर मतलब 9 किले तो 3 किला जमीन जी अं हरदयाल सिंह तो बै ली है जी, तो मतलब कणक वढ़न वास्ते पिया इन्होंने 1.25 किले के मशीन लिया के लाई ही जिदे किला क थान वढ़िया गया तो कुछ जोड़ा वा भी वो मतलब कि जाए मैं मुड़ के रोक कत्या जी। हाँ जी रजिस्ट्री जी मेरी घर दी ना ते मेरे भरा दे ना ते जी दोनों ते। हाँ जी 9 किले 3 किनाला की अद्धो अद्धी रजिस्ट्री है दोनों दे ना ते जी। मैं सर मैनू इन्हों तो खतरा जी, इन्होंने पता की किया जी मैनू फोन कॉल ला के मेरे को रिकॉर्डिंग भी हैगी साहब सिंह ने मैनू धमकी दी भी तेनू जानो मार देना वा तो तेनू अं फड़ा तेनू मोटर तेल जाके फिर उत्थे तेनू पुछा सारा हिसाब किताब तो तू तगड़ा रवी मुड़ के ना कि दस्या नहीं गा ये मैंने फोन कॉल ला के मैंने धमकी दी मेरी रिकॉर्डिंग मेरे को जी यदि पुलिस ने सर इन्हों मतलब बाई नेम 54 जण के परचा दर्ज कर दिता जी 307 का तो 5 अणपछाते व्यक्ति जिन्हा मैनू ना नहीं सी पता तो मतलब 5 अणपछात्या मतलब डिप्टी साहब ने आप पैरवाई करके मतलब सारी छानबीन करके तो इन्हों के परचा दर्ज कर दिता जी। हाँ जी फड़िया गया जी गुरिंदर सिंह फड़िया गया जी एक बाकी फरार है जी। हाँ जी बिल्कुल जी कार्रवाई तो अं संतुष्ट हाँ तो अं प्रशासन को यह मांग करते हैं भी जे बाकी बंदे 3 भजे फिरते जी उन्होंने भी अरैसट किया जाए जी क्योंकि इन्हों तो मैं खतरा है जी यू धमकियां दे दिया है जिन्हें चेर मतलब अरैसट नहीं होगा तो मेरा कितने भी नुकसान। ये थाना खेमकरन पिंड पा दूर को ना उसे परसों राज जड़ा वा वो जड़ा तिना भरावान का आपस जड़ा वा जमीन का झगड़ा ही तो एक भरा जिन्हें फसल कणक की फसल जी बीजी से दूजा भरा जड़ा वा वो कंबाइन लैके वढ़न लगा तो इन्हें रोकया तो उन्हें फिर बाहरों अपने जी होर बंदे बुला के उदे उत्ते जड़ी आ हमला करता तो उन्हों गोलियां मारिया जड़ा वो वाल वाल बच गया जिदे संबंध में जड़ा वा 307 मुकदमा थाना खेमकरन दर्ज किया गया वा एक दोषी जोड़ा वा पुलिस वालों मौके पर गिरफ्तार किया गया जिसे 315 बोर राइफल बरामद हुई है। मौके से जोड़े अखाली कोल भी मिले होर भी इन्होंने जो दोषी दिखाया उन्होंने जल्दी तो जल्दी जो गिरफ्तार किया जा रहा है। तरन तारण तो अमर गौर सिंह की रिपोर्ट। मौजूदा हालातों से नज़र मारीए तो इंसान तरह तरह बीमारियों जूझ रहा है। इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाने तरह तरह के उपराले भी करता है और जिमें तो दुखों नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखों तो नजात दवाउण लई हाज़र है फीर लीफ पावर जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नूं दूर किया जा सकता है।
ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784484087।